नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी 45 वर्ष। आपने बताया कि आपका जो समय चल रहा है वो काफ़ी नेगेटिव है, समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मुझे आपके हाथ में जो भी जानकारी जिस भी तरह से समझ आती है उसका क्या क्या उपाय हो सकता है, कब आपके अच्छे दिन आपकी जीवन रेखा पर समझ आते हैं, जिस भी तरह से मुझसे समझ आएगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आपके हाथ में देखेंगे तो सबसे पहली गड़बड़ जो आपके हाथ में मुझको समझ आती है वो है आपकी भाग्य रेखा। देखिए, भाग्य रेखा ही पैसा देती है, व्यक्ति कब फ़ायदा होगा कब नुकसान होगा, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आपका बिजनेस है, आपकी प्राइवेट जॉब है, जिस भी तरह से व्यक्ति पैसा कमा सकता है, सारी चीज़ें भाग्य रेखा से समझ आती हैं। भाग्य रेखा यहाँ से चलती है, ठीक यहाँ पर रुक चुकी है, लगभग 38 वर्ष के बाद भाग्य का साथ था ही नहीं। सपोर्ट में एक भाग्य रेखा और आई, ये 42 के बाद गायब हो चुकी है। जो आपका अभी का समय है यहाँ पर रेखाएं दिख ही नहीं रही हैं। अब ये क्या निशान है, ये बचपन से ही है, अभी कुछ सालों में आया है, इसके अंदर ही आपका 45 से 50 का समय है जो कि मुझे नहीं दिख रहा है। तो सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये है कि 5 सालों के लिए हाथ पे दाग लग गया है, जिससे 5 साल का जो विश्लेषण है वो नहीं समझ आ रहा है। आप कितनी भी क्लियर पिक्चर भेज दीजिए, बट ये दाग धब्बा आपके इन वर्षों का विश्लेषण नहीं बताने देगा। ये आपका आने वाला बुरा समय दिखाता है। कोई हस्तरेखा देखकर ना समझ पाए, ये संकेत मिलते हैं। कुल मिला के ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी मानी जाती है, जब हाथ पर राहु के क्षेत्र पर इस तरह की कुछ गांठें बन जाए। समझ लीजिए कि राहु का भयानक दोष आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो सबसे पहली गड़बड़ तो ये है कि भाग्य रेखा ये टूट गई है, ये भी टूटी हुई है, और इस पर यहाँ पर ये कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ है। तो सबसे पहली गड़बड़ तो देखिए भाग्य रेखा में समझ आ रही है। अभी जो आपका जीवन चल रहा है आपकी भाग्य रेखा आपके साथ नहीं है। जो भी कमा रहे हैं मेहनत के बल पर कमा रहे हैं, किस्मत का साथ लगभग 4 से 5 साल पहले छूट चुका है, ये संकेत हमें आपकी हाथ की रेखाओं में यहाँ पर समझ आते हैं। इसके बाद अगर आपकी जीवन रेखा देखेंगे तो जीवन रेखा पर भी वही सेम कहानी है, यहाँ जन्म होता है, यहाँ पर 44 से 48 तक जीवन रेखा टूटी हुई है। अब देखिए, आप ये समझिए कि एक रेखा ऐसी टूट जाए तो नेगेटिविटी होती है। यहाँ पर आपकी जीवन रेखा हल्की पड़ गई है 4 सालों के लिए, बाद में ये 50 के आसपास फिर से दिखाई पड़ी है। तो यहाँ पर जीवन रेखा का ना होना, यहाँ पर भाग्य रेखा का गड़बड़ होना, ठीक इसी उम्र पर मस्तिष्क रेखा का टूट जाना और हृदय रेखा में भी नेगेटिविटी आ जाना। देखिए, यहाँ पर मुझे जो भी समस्या इन रेखाओं में समझ आती है, मैं आपको एक एक करके हर एक चीज़ के उपाय दूंगा। अभी देखिए, मुझे ये दिख रहा है कि 50 वर्ष तक, अभी आप 45 के हैं, 50 तक कुछ भी ऐसा पॉजिटिव नहीं समझ आ रहा है। तो ये जो संकट है, संघर्ष है, ये अभी आपके जीवन में लंबा चलेगा, लंबा खींचेगा। ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में आप ठीक हो जाएंगे। ये जो दिक्कत परेशानी आई है, इसको भरने में आपको अगले 4 से 5 साल लगेंगे। अब देखिए, आपकी जो रेखाएं वो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही दिखा रही हैं, आपके हाथों में राजयोग जैसे संकेत भी हैं। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला। मैं गारंटी देता हूँ कि आपके हाथ में ऐसा राजयोग है कि वो बहुत कम लोगों के हाथ में होता है। लेकिन वो सारी की सारी स्थिति लगभग 55वें वर्ष से मुझे समझ आती है। ये मैं किस लॉजिक से कह रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहला तो जब जीवन रेखा टूट जाए तो जनरली इसको अब मानते हैं कि इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, यही अंतिम समय है। लेकिन किसी किसी किस्मत वाले व्यक्ति के हाथ में इसके बाद अगर जीवन रेखा उठ खड़ी हो जाए और इस पर ट्रायंगल बन जाए, तो ये संकेत है कि 55वें वर्ष से ऐसे व्यक्ति की जीवन की जो पटरी है वो संभाल जाएगी, व्यक्ति जीवन में आगे ग्रो करने लगेगा, बड़ा पैसा बड़ी प्रॉपर्टी व्यक्ति के जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। ये स्थिति हमको आपके हाथ में ठीक 55वें वर्ष से समझ आती है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि जीवन रेखा टूटी है तो मैं ये कह रहा हूँ कि आयु ही इतनी है, नहीं, आपकी जो आयु है वो बहुत बड़ी है, अच्छी है, बहुत बढ़िया है,
इसमें कोई भी नकारात्मकता मुझे नहीं समझ आती। आप ये समझिए कि ये जो संकट है आपकी किस्मत में था, जिस वजह से आपकी जीवन रेखा यहाँ पर गायब है। तो ये आपकी जीवन रेखा की कहानी है। 55वें वर्ष से ट्राइंगल बन रहे हैं, दो दो बन रहे हैं, जो कि अच्छी आयु, लंबी आयु, बुढ़ापे में अच्छे पैसे की ओर संकेत करते हैं। लेकिन उससे पहले जीवन रेखा भी गायब है, जो कि भयानक कष्ट की ओर, भयानक संकट की ओर, समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं, जो कि बहुत लंबी खींचेगी। ऐसा नहीं कि साल दो साल में आप उभर जाएंगे, नहीं, आपको अभी संकट है 4-5 वर्ष और समस्या यहाँ पर समझ आती है। भाग्य रेखा भी कमजोर है। मैं आपको जीवन रेखा का मंत्र दूंगा उपाय के रूप में। भाग्य रेखा का एक मैं आपको उपाय दूंगा, मतलब मैं आपको, आपकी जो चारों रेखाएं वो इसमें उलझ गई हैं, तो इनके मैं आपको उपाय दूंगा। ये नहीं उलझी तो ये इसी उम्र पर आकर टूटी हुई है, तो इसकी रेमेडी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए देखिए राहु की जो रेमेडी है वो सबसे ज़रूरी है। तो मुझे लिखिएगा कि जीवन रेखा का मंत्र दीजिए, भाग्य रेखा के उपाय दीजिए और राहु के उपाय दीजिए। इसके बाद यदि आपके हाथ में देखेंगे तो ग्रहों की बात करते हैं, बाकी ग्रह कैसे हैं। देखिए यहाँ पर संतान सुख मुझे ठीक दिखता है, आड़ी रेखाएं तो लग्जरी और कंफर्ट भी बढ़िया रहेगी। आने वाला जो समय 55 वर्ष के बाद का, उसके उस जीवन में ऐशो आराम और लग्जरी कंफर्ट यहाँ पर मुझको बढ़िया समझ आती है। इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ में, तो ये है आपके हाथ में मंगल का क्षेत्र, अंदरूनी मंगल का क्षेत्र है, अच्छा है, शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, शरीर में कोई भी समस्या आने वाले समय के अंदर मुझे आपके हाथ में समझ नहीं आती है। इस चीज़ को लेकर कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मकता आपके हाथ में यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। इसके बाद बात करेंगे बुध बृहस्पति की, तो बृहस्पति पर आपके हाथ में क्रॉस बना हुआ है, जो कि एक सही रहता है। व्यक्ति अगर किसी भी तरह से अपने बुरे समय में, अपने संकट के समय में पशु पक्षियों की, गरीब व्यक्तियों की सेवा करे, पैसे से नहीं, अन्न से, खाने से, अपने कमाए गए पैसे से किसी भी गरीब को खाना खिलाए, ये अन्नदान करे, तो भगवान जल्दी सुनते हैं, कष्ट जल्दी दूर होता है, कष्ट की काट व्यक्ति को जल्दी मिलती है। ये संकेत यहाँ पर समझ आ रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि आप काफ़ी लकी हैं जो आपके हाथ में बृहस्पति पर्वत शुभ हैं। देखिए पुण्य सभी कमाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा पुण्य होता है वह होता है 3 से 4 चीज़ों में जो मैंने सीखा है, समझा है, अपने माता पिता की सेवा करने में, जीवन साथी के साथ हमेशा ईमानदार रहने में, तीसरा सबसे जो ज़रूरी होता है वो होता है कि आप अपने से ज़्यादा समाज के लिए कुछ करें। अपना पेट सब भरते हैं, लेकिन भगवान सुनते उसी की, देते उसी को हैं जो अपने से ज़्यादा औरों की सोचता है, समाज की सोचता है, पशु पक्षियों की सोचता है। जिस वजह से अगर आप अन्नदान करते हैं, जैसे कि आपने डेली जंगली कुत्तों को खाना खिलाया, आप पशु पक्षियों के लिए बहुत दयालु हैं, कोई बीमार या घायल मिल जाए आप तुरंत उनकी सेवा उपचार करते हैं, इसके साथ साथ गौ माता की सेवा हो गया, मांस मदिरा से आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तो मेरी गारंटी है कि जो समय है इसमें कुछ ना कुछ आपको खुद ही भगवान 4 रास्ते निवारण के खोल के देंगे। ये मेरी गारंटी है। ये जो मैंने आपको बताया बृहस्पति पर आते वक्त ये कीजिए, ये करना ही है, ये रामबाण उपाय है, ये ऐसा उपाय है कि इसको करने के बाद आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं बचेगी। जो मैं आपको उपाय दूंगा वो भी करने, उनमें भी यही चीज़ें आपको शामिल मिलेंगी। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपके हाथ में बुढ़ापे के अंदर राजयोग भी है, जो कि शनि पद पर कन्फर्म हो जाता है कि एक अच्छी इनकम, एक बहुत ही बढ़िया इनकम मुझे आपके हाथ में बुढ़ापे के अंदर यहाँ पर समझ आती है। इसके बाद अगर बात करेंगे सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर आपके हाथ में यहाँ पर वी साइन बन रहा है, जो कि ये संकेत करता है कि समाज में नाम जो है वो बना रहेगा। टाइम कितना भी खराब चले, व्यक्ति के समाज में नाम खराब नहीं होता। आने वाला समय ऐसा है, हाँ आप संघर्ष में रहेंगे बट बदनामी ज़्यादा नहीं हो पाएगी किसी भी तरह से। इवन कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा कि समय कैसा है, कैसा कट रहा है, कैसा जा रहा है। ये संकेत हमें आपके हाथ में खासकर आपके सूर्य पद पर समझ आते हैं। बुध पर व्यापार को लेकर सफलता है। अभी आप बहुत घाटे में अगर, लेकिन अगर आपका पूरा जीवन काल निकाला जाए तो जब आपको सफलता मिलेगी तो वो व्यापार से ही देखने को मिलेगी। जीवन में जब जब नौकरी करेंगे मुझे लगता है कि गलती करेंगे। व्यापार ही आपके जीवन में आगे आपके कष्टों को हरने वाला, आपकी सफलता का कारण बनेगा। इस तरह के संकेत मुझे आपके हाथ में यहाँ पर समझ आते हैं। तो व्यापार को लेकर काफ़ी शुभ लक्षण यहाँ पर अभी भी हैं। इतने नेगेटिव समय के अंदर भी व्यापार को लेकर शुभ लक्षण है,
तो जब हाथ एक उम्र को पार कर जाएगा, जब संघर्ष के समय को पार कर जाएगा, तब ये रेखा जो असर दिखाएंगी वो फिर बहुत ही बढ़िया देखा जाएगा। ये संकेत हमको आपके बुध यानी व्यापार के क्षेत्र पर समझ आते हैं कि व्यापार की समझ, व्यापार को, व्यापार की पकड़ और व्यापार में सफलता यहाँ पर समझ हमको दिखती है। जीवन साथी के सेहत के लिए थोड़ी सी नेगेटिव रेखा यहाँ पर मुझे दिखती है। बाहरी मंगल ठीक है, चंद्र का चित्र भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात मुझे यहाँ पर नहीं समझ आती है। बात करेंगे राहु केतु की, तो राहु केतु का क्षेत्र भी यहाँ पर ठीक है, नहीं केतु का ठीक है, राहु का है नेगेटिव। यहाँ पर ये जो निशान है ये राहु के क्षेत्र के हल्की सी ऊपर है, तो हाँ राहु के क्षेत्र को लेकर नकारात्मक रेखा मुझे यहाँ पर समझ आती है। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। देखिए मुझे जो दिखा वो दिखा कि राहु ग्रह आपके जीवन में आपका, आपके नाश की ओर आगे आपको लेकर जा रहे हैं। और देखिए मैं आपको इतना बता सकता हूँ, उपाय तो मैं आपको हर ग्रह के दूंगा, लेकिन वीडियो में व्यूअर्स के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि जो भी व्यक्ति माँ दुर्गा का या शिव उपासक है उस पर राहु का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। राहु का दोष अगर है भी तो बहुत कम आता है। तो समझ लीजिए रामबाण उपाय तो राहु का यही है कि माँ दुर्गा की भक्ति या शिव उपासना, ये सबसे बढ़िया होती है। प्रॉपर उपाय मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर पहुँचा दूंगा। और कोई डाउट क्वेरी हो और कुछ पूछना हो हमसे ज़रूर पूछिएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे विश्लेषण से सेटिस्फाई हैं या नहीं है, आपका रिव्यू क्या हमको ज़रूर बताइएगा। तो अपने डाउट क्वेरी रिव्यू और उपाय जिस भी ग्रह के जैसे उपाय देने बोला हमको सारे लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।